आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारे रिंकू भाई जी का गाना था जिंदाबाद डोगरी, वो वापिस आ चुका है। सॉन्ग इज बैक ऑन द ट्रैक, जो भी चैनल था ब्लू रेकर्ड्स उस पर गाना वापिस आ चुका है। लेकिन इस जो भी पूरा मामला हुआ, इसकी वजह से कितना नुकसान पहुंचेगा रिंकू भाई को या उस गाने को, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गाना है वो कल डिलीट हुआ था और आज वापस आ चुका है, उनके जो ब्लू रेकर्ड्स चैनल पे वापस आ चुका है। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो पे, तो गाना तो अभी भी है। तो भाई बात हो रही थी कि जो मेन चैनल है ब्लू रेकर्ड्स चैनल है, उससे गाना डिलीट हुआ था। दूसरे चैनल्स वालों ने तो कॉपी करके डाला हुआ था गाना, वैसे तो दूसरे चैनल पे अवेलेबल थी कॉपीज गाने की, लेकिन मेन चैनल की बात हो रही थी ब्लू रेकर्ड्स की। और अगर आप आज चेक करोगे ब्लू रेकर्ड्स पर गाना वापस आ गया है, लेकिन इस कॉपीराइट जो भी पूरा मामला हुआ, जहाँ इस कॉपीराइट की वजह से कितना नुकसान हुआ होगा, तो मैं आप सबको बता दूँ कि इस कॉपीराइट की वजह से क्या हुआ होगा। जो गाने की रीच है ना, वो पहली जैसी नहीं रही। जितने मतलब एक नॉर्मल वीडियो दौड़ रही है अभी, जैसे मैंने वीडियो पब्लिक कर दी, ये नॉर्मल वीडियो है, इस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। मान लीजिए होता क्या है, जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, वो वीडियो की रीच ख़त्म हो जाती है, उस वीडियो के इंप्रेशन कम हो जाते हैं। और आप बोलोगे कि इंप्रेशन क्या होते हैं, इंप्रेशन ये है कि जैसे कि आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, आपको मेरा थंबनेल वगैरह शो हुआ होगा, वैसे ही उसी को समझ लो रीच बोलते हैं, कि लोगों तक थंबनेल पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचना। तो जो भी कॉपीराइट मिली थी उसकी वजह से वीडियो की रीच पे फ़र्क पड़ता है, और उतने लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाती जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती, जैसे गाना दौड़ रहा था कल जितनी स्पीड में दौड़ रहा था भाई, बवाल मचा रहा था गाना, और इतने कम समय में इतने ज़्यादा व्यूज़ पा रहा था ना, बात मत पूछो। खैर अब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग अपने शेयर करते रहेंगे और उसके व्यूज़ बढ़ते रहेंगे उस गाने पे, और जिंदाबाद डोगरी को प्यार मिलता रहेगा। और आप कितने खुश हैं गाना वापस आने की वजह से, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जम्मू तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि रिंकू भाई जी का गाना वापस आ गया है, बस दुख इस बात का है कि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई थी, उसकी वजह से कल डिलीट हो गया था, लेकिन आज वापस आ चुका है। और एक बात, जिन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी उन्होंने भी कॉपीराइट स्ट्राइक मेन चैनल पे ही दी, उन्होंने भी अच्छी तरह टारगेट किया था उनका मेन चैनल ब्लू रेकर्ड्स, और बहुत से चैनल्स पे कॉपीज पड़ी हैं गाने पर, किसी ने उन चैनल्स पे स्ट्राइक नहीं दी। मतलब स्ट्राइक देनी है तो दूसरे चैनल्स पे भी दो जिन्होंने कॉपीज डाली हैं, मेन चैनल को ही टारगेट किया गया था जिस पे रिंकू भाई जी का गाना था। खैर और जो भी कमेंट करके बोलेंगे कि ड्रोन शॉट यूज़ किया हुआ था, परमिशन लेनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ परमिशन लेनी चाहिए थी, अगर नहीं भी ली एक ड्रोन शॉट की वजह से क्या हो गया भाई, नहीं भी ली तो उससे अगर ये मामला बातचीत से सुलट जाता तो सुलटा लेते, इतना कुछ होना नहीं था। और रही बात अगर यूज़ कर भी ली ड्रोन शॉट्स, तो भाई दूसरे चैनल्स पे क्यों नहीं दिया कॉपीराइट, बहुत से चैनल्स पे वीडियो पड़ी थी कॉपी उसकी जिंदाबाद डोगरी की, मेन चैनल को ही टारगेट किया गया ब्लू रैकेट्स को। खैर इसको, इन बातों को अब मामला सॉर्टेड हो गया है, किसी को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है।